Assalamu alaikum dear students, SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 1st, Subject English, and this is our 8th chapter, Akbar and Birbal. Here your English teacher, Sayyed Gulafsa. Let's start our exercise, fill in the blanks. First blank is, Akbar and his men went to a dash to look for some water. अकबर और उसके जो सोल्जर्स थे वो क्या देखने के लिए राइट पे लिख लेते किंगडम में, देखने के लिए कि किंगडम में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं. और उनको क्या लग जाती है, वो लोग थर्स्टी हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो वो लोग कहाँ पे जाते हैं, विलेज में. अकबर एंड हीज मैन वेंट टू अ विलेज टू लुक फॉर सम वाटर. द बॉयज़ फादर वॉज द डैश ऑफ विलेज. वो बॉय जो था जो स्टिक लेके खड़ा था उसका, उनके जो फादर थे वो क्या थे, प्रीस्ट थे, PRIEST प्रीस्ट. द वाटर इन द लेक वॉज डैश. जो पानी था लेक में जो अकबर ने पिया था वो कैसा था, अकबर बताता है ना बॉय को, कैसा था, स्वीट, SWEET स्वीट. अकबर गेव द बॉय अ डैश रिंग. अकबर गेव द बॉय को क्या देता है, रिंग. ठीक है, तो ये हमारी ब्लैंक यहाँ पे फिनिश हुई. लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ओके, अकबर एंड बीरबल क्वेश्चन टू. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द अकबर फीलिंग थर्स्टी. अकबर को क्यों इतनी ज़्यादा पानी की तरस लग जाती है. आंसर वन, अकबर वॉज फीलिंग थर्स्टी As it was a hot summer day. कौन सा डे चल रहे थे, कौन से सीज़न थी, समर के सीज़न थी, और दिन जो थे वो बहुत ज़्यादा हॉट चल रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी. तो अकबर वॉज फीलिंग थर्स्टी एज इट वॉज अ हॉट समर डे. क्वेश्चन टू, वॉट वॉज द बॉय कैरिंग ऑन हिज हेड. बॉय ने अपने हेड पर क्या लिया हुआ था. The small boy was carrying a bundle of stick on his head. उसके जो हेड पे जो था वो बंडल ऑफ स्टिक था, बहुत सारे बंडल्स, बहुत सारे स्टिक का बंडल रखा हुआ था उसके हेड पे. क्वेश्चन थर्ड, वाई डिड अकबर लाइक द बॉय. अकबर को बॉय क्यों इतना ज़्यादा पसंद आ गया था. आंसर थ्री, द बॉय लुक्ड इंटेलिजेंट सो अकबर लाइक हिम वेरी मच. बॉय जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए अकबर को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था. क्वेश्चन फोर, व्हिच फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू द कोर्टियर्स वेयर ब्यूटीफुल. कोर्टियर्स के मुकाबले में, यानी कोर्टियर्स किस हिसाब से फ्लावर्स को, कौन से फ्लावर्स को ब्यूटीफुल बता रहे थे, कोर्टियर्स के हिसाब से कौन से फ्लावर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे. According to courtiers, flowers such as lotus, jasmine and rose were beautiful. ठीक है, तो courtiers के हिसाब से कौन से फ्लावर, lotus, jasmine and rose were beautiful. ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर आज के. हमारा फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में सेंड कर दूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.